रूबिका जी, इस सदन में इन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई का मुद्दा है, पिछले वाले में याद करिए तो कहते थे कि साहब पेगासस का मुद्दा है, उससे पहले याद करिए तो किसान आंदोलन का मुद्दा था, और हर बार कोई ना कोई विदेश से छपी रिपोर्ट आती थी, कभी वो ग्रेटा थनबर्ग कुछ बोल देती थी किसान आंदोलन में तो यहां संसद नहीं चलने देना है, कभी पेगासस के नाम पे कुछ विदेश में छप जाएगा तो संसद नहीं चलने देना है, फिर यहां बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा आया तो संसद नहीं चलने देना है। इन्होंने कब चलने दिया ये बताइए ना, इनके लिए मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा तो बहाना है, संसद को चलने से हमेशा रोकना है, संसद का कामकाज निशाना है, मुद्दा तो बहाना है, वरना बता दें पिछले कुछ वर्ष में अक्सर ये देखा गया है कि संसद को अगर नहीं चलने का इल्जाम जाता है तो वो विपक्षी पार्टियों पर जाता है कि सरकार की किसी नीति के विरोध में आज संसद नहीं चलने दी। ये मैंने पहली मर्तबा देखा है कि सत्ता पक्ष जो है संसद नहीं चलने दे रही है कहकर के माफी मांगे राहुल गांधी। दरअसल वायु राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को निशाना साधते हुए लोकतंत्र को लेके सच क्या बोल दिए। बीजेपी के नफरती चिंटू राहुल गांधी को ही बदनाम करने के लिए मैदान में उतर गए। उसी के पक्ष लेते हुए रूबिका दलाल अपने शो में विपक्ष को ही सवाल के काटघरे में खड़ा करने लगे, मानो इस महंगाई और बढ़ते हुए बेरोजगारों के लिए विपक्षी जिम्मेदार है। अपने शो में बीजेपी प्रवक्ता रहते हुए भी रूबिका दीदी बीजेपी के ही पक्ष में बात करती है, पर मुश्किल ये है विपक्ष के सुप्रिया श्रीनेत से ज्यादा देर टिक नहीं पाया। सुप्रिया जी ने रूबिका दीदी की असलियत सामने लाते हुए डिबेट में ऐसा तर्क देने लगे जिससे बीजेपी वालों की ही नींद उड़ गई। देख रही हैं आप मेरे हाथ में क्या है, ये आज के सदन की कार्यवाही को पूरी तरह से प्रलक्षित करता है। अडानी को बचाने के 101 नुस्खे, मोदी जी की कृपा से ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर अडानी को बचाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। अब किसके पीछे छुप रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी गठित कर दी है। प्रभु, सुप्रीम कोर्ट की गठित कमिटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस है रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वो ये नहीं देखेगी कि अडानी के ऊपर जो चार्ज लगा है बेनामी संपत्ति वेब ऑफ शेल कंपनीज के लाने के रास्ते से, उस पर क्या होगा। वो ये नहीं देखेगी कि 82 गुना शेयर कैसे बढ़ गए। वो ये नहीं देखेगी कि स्टॉक रिगिंग कैसे हुई। वो ये नहीं देखेगी कि SBI और LIC का जो इन्वेस्टमेंट था वो नेगेटिव हो चुका है और 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर LIC के और 45 करोड़ खाता धारक SBI के सवाल पूछ रहे हैं। अडानी का नाम ले लो तो असल में हाल ये होता है। क्या हो रहा है, ये गला सूख रहा है, कांपते हाथों से पानी पिया जा रहा है। अडानी का नाम ना लिया जाए, अडानी पर बहस ना हो, अडानी की काली कारतूतों पर सदन चर्चा ना करे, उसके लिए सत्ता पक्ष सदन को भंग कर रहा है। ये सुना था आपने कभी, 16 पार्टियां आपसे डिमांड कर रही हैं, आप JPC का जा अडानी का और चीन का चा नहीं बोल पाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे कार्यकाल में 700 किसानों की शहादत के बाद चुने हुए प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए थोड़ी मरे। हमारे कार्यकाल में हर विपक्ष के नेता के घर पे CBI और ED नहीं बैठी थी। हमारे कार्यकाल में लोग भुखमरी से नहीं मर रहे थे और वित्त मंत्री ये नहीं कहते मैं लहसुन प्याज नहीं खाता। आपके जानकारी के लिए उसे बैन किया था। हमारे कार्यकाल में BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, हमने ना उस डॉक्यूमेंट्री को 84 के लिए बैन किया ना रेड करी जो भाजपा कर रही है।